मैं बोली अब सुंदरकांड का पाठ कौन सुनाएगा, वहीं आके सुनाना भनुआ जी, वहाँ तो डेली पेशेंट का देखेगी। उससे आगे निकलने के लिए पहले बराबरी में आते हैं। वाह, तो उड़ीसा से वो हमारी वीडियोस देखकर और यहाँ आ गई मायका में। 2-3 महीने यहाँ पे रही, पति की अकल ठिकाने लगी, पति लेने आया बकायदा। और वो ना वहाँ पे बोल रही है कि आज ना मैं अगर मिल पाई हूँ तो अरुणेंद्र भैया के। खुश हो आप? बहुत खुश हूँ, और अरुणेंद्र भैया बहुत अच्छे हैं। बहुत खुश हूँ, आप ना भाई का फर्ज अदा किए हो। मम्मी सारी पैकिंग छोड़ दो तो इन्हें। ये इमली मुरब्बा है, ये वही है। हो गई सर। ओहो पुच्छू जी, तो हमारे जाने का वक्त हो गया पुच्छू जी। अब मम्मी हॉस्पिटल पे आके मिलेंगी तुमसे। बड़ी एक दिन में 10 चूहे मार देना। हाँ। ये अपनी पोटी ठीक जगह पे कर ले, वही बोला चूहा तो छोड़ दो। अच्छा मैं बोली अब सुंदरकांड का पाठ कौन सुनाएगा, वहीं आके सुनाना भनुआ जी। वहाँ तो डेली पेशेंट का देखेगी कितने पेशेंट। अब तुम वहीं आके इनको सुंदरकांड सब वहीं आके सुनाना। अगले जन्म जानवरी बन जाएंगे मैं भी। बाय मम्मी, अब कल मिलेंगे। आज लाडू जा रही हो? एक इसको सारी दुनिया देखनी है, और एक वो है जो हॉर्न की आवाज से कांप जाती है। तो ये हमारे साथ है रिद्धि कुमारी, और ये साथ में है उनकी भाभी। और अभी बन रही है ग्रेप्स की स्मूदी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा हमने अपने रूटीन में भी चेंज किया, फ्रूट्स का इंटेक स्टार्ट किया है। वो पता नहीं कितने दिन चलेगा, कितने महीने चलेगा ये बोलो। और क्योंकि रिद्धि के एग्जाम्स चल रहे हैं, तो इसको यहीं पे हम रोक रहे हैं। रात को ये रुक के इसको मैं पढ़ाता हूँ। और ये बन गई ग्रेप्स की स्मूदी, तो ये हमारी मॉर्निंग ड्रिंक है। ये हमारे साथ है हमारी माऊ जी। ये सुबह उठ जाती है और ये ऐसे करके मैं पूरा फेस ऐसे ऐसे पूरा हाथ पैर, और फिर उसके बाद जो रिद्धि है उसके साथ सोती है पुच्चू। तो इन लोगों ने ऐसे हाँ पुच्चू सिर्फ रिद्धि के पास जाती है। मेरे को लग रहा है कि इन दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया है। तो और ये हमारे साथ एक और काम हो गया, लाइट गई। हाँ तो लाइट चली गई है, आधे में स्मूदी बन रही थी, आप स्मूदी ले लो अपनी। इतनी लाइफ बिजी हेक्टिक समझ नहीं आ रहा, मतलब पूरा दिन हम कैमरा नहीं उठाते, कुछ नहीं करते, ठीक है, सिर्फ काम। गाइस धीरे धीरे रूटीन पे आएंगे। मतलब अभी ना पीछे का जितना काम बिक रहा था, मतलब मैं तो लिटरली पिछले इतने दिन से ओपीडी ऐसे चल रही है कि 8-8 घंटे में एक सीट पे बैठ रही हूँ, ठीक है, मतलब इतना बिजी वो हो रखा है। और आज है हमारी एनिवर्सरी एंगेजमेंट की, मतलब हमने फॉर्चुनेटली 1095 दिन कम्प्लीट कर लिए हैं आपस में खुशी। मेरे को मैंने सुबह उठ के बोला उपासना हैप्पी एनिवर्सरी, तो उपासना के होश उड़ गए, कैसे याद रह गया इसको। तो कह रही याद था आपको, मैंने भी पॉइंट मार दिया, किसी एक को तो याद रखना ही पड़ेगा ना। मैं सदमे में, मैं 3 साल से पहली बार ऐसा हुआ, हमेशा तो मैं बोलती थी आज कैसे हो गया कि मैं अभी बैठ से उठी और अरुण आके पूरा हक करके बोले उपासना हैप्पी एनिवर्सरी। मैं सदमे में, ये इस बार ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अब ना मैं आपसे पहले उठने लगा हूँ। हर बार आप पहले उठते थे, उठ के जब आप फ्रेश होने जाते थे आप फोन चलाते थे, फोन पे कोई ना कोई आपको पहले विश कर देता था, तो हर बार आपको याद रहता था। अपनी तरह समय रखा है। पहली बात तो मेरा फोन, जब मैं फ्रेश होने नहाने जाती हूँ तो मेरा फोन बाहर टेबल पे होता है चार्जिंग पे, और भजन चल रहे होते हैं। झूठ नहीं बोलना, ये झूठ नहीं बोलना। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। तो अभी हम जा रहे हैं पैसिफिक, 2 लैपटॉप लाने हैं ऑफिस के लिए, और मैं वॉच ले लेती हूँ कुछ अच्छी सी अगर पसंद आती है। बिलिंग करवाते वक्त ना मैं साथ साथ उनसे एक और जीन्स में सर्च करवा रहा था। एक्चुअली वो जीन्स मैंने 2 साल पहले ली थी और वो जीन्स ना मेरी फट गई थी, मतलब वो रिटायर हो गई थी वो। तो ना मैं सेम प्रोडक्ट के बारे में इंक्वायर कर रहा था कि क्या ये प्रोडक्ट दोबारा मिल जाएगा। और ये उपासना दिखा रहे हैं कि ना अरुण ने ये वाली जीन्स ली है, ये वाली शर्ट ली और ये वाले शूज़ लिए हैं, तो पहली बार अरुण ने चेंज किया है, जबकि ऐसा कुछ भी ना। आपको पता कि मैं इतना भड़कीला तो नहीं पहन सकता। बहुत ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल करने के बाद हमने ये 2 लैपटॉप फाइनल किए ऑफिस के लिए। सो हमारे 2 न्यू लैपटॉप आ गए हैं। ये उनके जीन्स और ये कुछ मैंने लिए हैं क्यूट सी सॉक्स। आज हमारे साथ अरुण भाई हैं और शायद सुनाएंगे दोस्ती के ऊपर। दोस्ती का ख्याल कर दुश्मनी भी सादगी से निभा तो सके।
दोस्ती का ख्याल कर दुश्मनी की सादगी से निभा तो सही, मुझसे आगे निकलने के लिए पहले बराबरी में आ तो सही। वाह। सो फाइनली आफ्टर शॉपिंग, ये शॉपिंग हम पहुंच गए हैं हमारे फेवरेट रेस्टोरेंट में बुरीटो बाउल खाने के लिए। मतलब अगर आप लोग सच में कुछ खाना चाहते हो ना, बहुत अच्छा और बहुत यूनिक और बहुत ज्यादा हेल्दी, तो बुरीटो बाउल खाओ। चिल्स है ना, आप यहाँ आना। चिलीज ये इसकी प्रमोशन नहीं, पर ये हमें अच्छा लगता है। इसका बुरीटो बाउल लेना आप, वो भी ब्रोकली वाला, क्रिस्पी ब्रोकली। मतलब जो लोग ब्रोकली नहीं खाते हैं वो ब्रोकली के फैन हो जाएंगे, जैसे अरुण हो गए। मैंने कभी ब्रोकली नहीं खाई थी, मैंने यहीं आके ब्रोकली खानी शुरू की। सो यार इस वाले व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। सबसे पहले सॉरी कि इतने दिन व्लॉग्स नहीं आ रहे, ना मैंने कुछ इन्फॉर्म किया था। यार हम ना कोशिश ये कर रहे हैं कि ऑल्टरनेट डेज या फिर दो दिन के बाद व्लॉग डालना शुरू करें, क्योंकि हम कुछ चीज़ों पे काम कर रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट पे भी थोड़ा ध्यान देना पड़ रहा है और डेली व्लॉगिंग नहीं हो पा रही है यार। ठीक है, आपको सॉन्ग सुनने को मिलेंगे, नया रिलीज़ होने वाला है तो उन सारी चीज़ों पे काम चल रहा है। इसके अलावा कुछ शोज़ पे भी काम चल रहा है, तो धीरे धीरे मैं रिवील करना स्टार्ट करूँगा। अच्छा, एक दो चीज़ें मेरे को बतानी थी कि एक जो हमारा अरुणेंद्र सेवन वाला चैनल था, जिसमें पहले शायरी या मोटिवेशनल वीडियो आती थी, तो उस पर भी ना हमने क्या करा कि माइका के कुछ क्लिप्स काट काट के डालने शुरू किए, क्योंकि इस टाइम पे ना मेरा जो फोकस है वो माइका है, कि माइका को ना एक बहुत नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। जो हमारा एक फा वाला चैनल जहाँ पे माइका की वीडियोस आ रही है, वहाँ पे जाके देखिए। ठीक है, अब खुश हो आप? बहुत खुश हूँ और नरेंद्र भैया बहुत अच्छे हैं। बहुत खुश हूँ। आप ना भाई का फर्ज अदा किए हो और अविनाश भैया तो वैसे ही फर्ज अदा कर दिए हैं। आप लोगों ने इन वीडियोस को देखा, लाइक किया, उस पर कमेंट किया, उसको शेयर किया, वो वीडियो पहुंचा इन तक उड़ीसा में, दिल्ली में वीडियो शूट हुई, शेयर आप लोगों ने पता नहीं हरियाणा पंजाब या फिर महाराष्ट्र में किया होगा, वीडियो पहुंची है उड़ीसा में। ये पावर है सोशल मीडिया की, ये पावर है आप लोगों की। जाके देखो इतनी अच्छी रीच आ रही है और उसके थ्रू पता नहीं इतने सारे हमारे पास केसेस आ रहे हैं, उड़ीसा से आ रहे हैं, कोई गुजरात से केस आ रहा है। और मतलब एक बार ना वीडियो जाके देखो और मुझे ना वो कहानियाँ सुनने को मिलती हैं और उस पॉडकास्ट के थ्रू जो मैं लेके आया हूँ आपके सामने, मतलब बहुत कुछ सीखने समझने को मिल रहा है लाइफ के बारे में। बहुत कई बार दुख भी होता है यार कुछ कहानियों को सुन के कि उनके साथ इतना गलत हो रहा है। कभी कहानी थी जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वो जो दीदी हैं वो बता रही थी कि कैसे शादी के बाद उनके ससुर आके जब वो नहा रही होती थी ना, तो उन वो जब नहा रही हैं तो उस टाइम पे आके उनके ससुर वहाँ खड़े हो जाते थे, ठीक है, उनको मतलब देख रहे होते थे। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें आप ये कहोगे यार ये चीज़ें कभी हुई भी हैं, ऐसे ऐसे केसेस, ऐसे ऐसे स्टोरीज़ वहाँ पर आपको सुनने को मिलेगी और ये आपकी लाइफ को बदल देगा। मुझे आप लोगों के हेल्प की ज़रूरत है। एक अभी जो केस जो पैचअप हुआ है, तो जो हस्बैंड थे वो वाइफ को बहुत मारते थे और शराब वगैरह पी के परेशान करते, तो उड़ीसा से वो हमारी वीडियोस देखकर और यहाँ आ गई माइका में। दो तीन महीने यहाँ पे रही, पति की अकल ठिकाने लगी, पति लेने आया बकायदा, और वो ना वहाँ पे बोल रही है कि आज ना मैं अगर मिल पाई हूँ तो अरुणेंद्र भैया के चैनल की वजह से मिल पाई, मुझे इतनी खुशी हुई कि वो कह रही उनको ना एक दूसरी ज़िंदगी मिल गई। तो मुझे सुन के इतनी खुशी हुई कि यार मेरी वजह से और आप लोगों के प्यार की वजह से अगर किसी का घर बस गया, अगर कितनी खुशी की बात है। तो ये हम छोटा सा प्रयास कर रहे हैं, तो आपको सपोर्ट करना है एक ख्वाब वाला चैनल और अरुणेंद्र सेवन। व्लॉग्स आएंगे, जो अब व्लॉग्स आएंगे वो बहुत अच्छे आएंगे, क्योंकि मेरे पास एक व्लॉग पे काम करने के लिए 3 दिन होंगे, तो मैं और अच्छी चीज़ें डालूंगा, बहुत अच्छे से प्रैंक्स वगैरह डालूंगा, अच्छा करेंगे। मतलब ठीक है, डेली व्लॉगिंग के उसमें प्रेशर में क्या हो रहा था, ना तो व्लॉग डल पा रहे हैं ना डेली शूट हो पा रहे हैं, तो मैंने कहा कम करेंगे पर अच्छा करेंगे। तो आप लोग यार ऐसे ही सपोर्ट करते रहो माइका की, आपको ऐसी ऐसी वीडियोज़ अभी देखने को मिलने वाली हैं। मतलब डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स पर अलग अलग तरीके से हम काम करेंगे और अच्छा काम करेंगे, ताकि आप लोगों को अच्छा कंटेंट देखने को मिले। आप लोगों ने यार हमें ना बहुत सपोर्ट किया, बहुत बहुत सपोर्ट किया है। इंस्टा पे भी बहुत सपोर्ट मिला है, एक वो रील थी वो तो मतलब इस टाइम पे फिर से वो वायरल हो गई है, तकिए भीग रहे हैं खारे पानी से वाली। तो आप लोग ना बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहो हमें हर एक प्लेटफॉर्म पर। इस साल कुछ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें प्लान्ड है, मैं भी रिवील करके, मैं रिवील इसलिए नहीं करता यार, मैं हिंट भी इसलिए देता, अगर बाई चांस 1% भी वो नहीं हो पाई ना, फिर आप लोग बोलोगे बातें तो इतनी बड़ी बड़ी करी थी, करा कुछ नहीं।
तो इसीलिए आप बस वेट करो, इस साल हम कुछ अच्छा करेंगे। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना, प्यार सा कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब, एंड किसी भी बीमारी के इलाज के लिए इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, आपकी समस्या को ठीक कर दिया जाएगा। थैंक यू।